तीसरा मोर्चा खुला तो ऐसी क्या खास वजह रही कि भाजपा की विचारधारा से आपको अलग जाना पड़ा क्योंकि सभी पार्टियां आजकल पैसे वालों का बहुत जोर हो गया लेकिन ये निर्णय तो भारतीय जनता पार्टी को लेना है क्योंकि उनको अगर इस सीट को जीतना है तो निश्चित रूप से ये कार्यकर्ता अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा होगा और दो में मेरा टिकट भी काट दिया गया जिससे मैं हार गया एक सम्मानदायक पद पर चले गए हैं उनके खिलाफ मैं कुछ कहना नहीं चाहता और कार्यकर्ता और हम निश्चित रूप से भाजपा में जाना चाहते हैं क्योंकि जनता सेना में कोई कार्यकर्ता कम नहीं है चार पाँच हजार कार्यकर्ता हमारे हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं जो लगे हुए हैं मेरे कार्यकर्ता टस से मस नहीं होते लक्ष्य सेवा का करेंगे लेकिन आ, मेरा ये है कि जनता से जुड़ाव बहुत अच्छा रहा और जनता मेरे साथ प्रेम से जुड़ी रही भारतवर्ष में मेवाड़ को शौर्य और वीरों की भूमि से जाना जाता है यहाँ के लोग सर कटा तो सकते हैं पर सर झुकाना यहाँ नहीं सीखे हैं मेवाड़ में राजनीति हो या युद्ध का मैदान यहाँ के लोगों ने अपना एक अलग इतिहास रचा है आज हम आपको एक ऐसे राजनीतिक योद्धा से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने कई और राजनीतिक जंग लड़ी है और जीत हासिल की है वहीं जब इनके अपनों ने इनका साथ नहीं दिया तो इन्होंने खुद की सेना बनाकर चुनावी मैदान में उतरे हैं और जीत का परचम ले हमारे साथ है मेवाड़ के वरिष्ठ नेता जनता सेना संरक्षक महाराज रणधीर सिंह जी पिंडर साहब हमारे शो में आपका हार्दिक स्वागत है सर मेवाड़ वल्लमनगर विधानसभा सहित मेवाड़ के आप वरिष्ठ नेता माने जाते हैं और कितना कुछ बदलाव आया वल्लमनगर की राजनीति में अभी तक मैं जिस समय राजनीति में आया था उस समय दो महारथी यहाँ पर थे गुलाब सिंह जी शक्तावत साहब और राव साहब बाठेड़ा कमलेंद्र सिंह जी और वो दोनों ही यहाँ पर लगातार लड़ते आए कई सालों से राव साहब जनता दल से थे शक्तावत साहब कांग्रेस से थे और राव साहब के साथ बीजेपी का हर समय गठबंधन होता था जनता सेना और बीजेपी का लेकिन पहली बार भैरव सिंह जी शेखावत मुझे लेकर के पधारे और तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे बीजेपी का कोई कैंडिडेट आज तक खड़ा नहीं हुआ तो उन्नीस में मुझे पहली बार भारतीय जनता पार्टी में लाकर मुझे टिकट दिया और उसके बाद में लगातार मैं यहाँ पर वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ उन्नीस में मैं तो मैं नया था कार्यकर्ता भी बहुत कम थे उस समय भारतीय जनता पार्टी के धीरे धीरे कार्यकर्ता बने उन्नीस में मैं हम लोग फिर हार गए क्योंकि एक बागी खड़े हो गए थे पुष्पराज जी मेहता उनके कारण थोड़ा सा पार्टी में एक बिखरम अवसर हुआ लेकिन 2003 में भारी बहुमत से जनता ने मुझे जिताया कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और उसका फल यह हुआ कि मैं विधायक बना पहला विधायक भारतीय जनता पार्टी का मैं ही बना वल्लभ नगर से उसके बाद में धीरे धीरे बदलाव आया 2007 के आसपास आते आते हमारे जो मेवाड़ के प्रमुख नेता थे जो अब एक सम्मानदायक पद पर चले गए हैं उनके खिलाफ मैं कुछ कहना नहीं चाहता पर उनसे कुछ उनको मन में मेरे प्रति कुछ ऐसी बातें आई जिसके कारण उन्होंने मेरा विरोध करना शुरू किया और 2008 में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरे विरुद्ध काम किया जिससे मैं हार गया और 2013 में मेरा टिकट भी काट दिया गया और टिकट काटने के बाद में मैंने सोचा था कि राजनीति से संन्यास लेके घर बैठ जाएंगे लेकिन कार्यकर्ता आए उन्होंने मुझे खड़ा किया और उन्होंने कहा हम आपको खड़ा करना है और हम आपको जिताएंगे और उन्होंने अपना वादा निभाया 2013 में मैं वापस विधायक बना और इसी का कारण है कि हम लोग वल्लम नगर विधानसभा क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर पाए नगर में बतौर विधायक आपने काम भी किया है और भाजपा को पहली जीत भी दिलाई क्या अनुभव रहा था सर आपका देखिए अनुभव तो जीत का अच्छा ही होता है और अच्छे होने के साथ साथ एक भार आपके ऊपर पड़ जाता है कि जनता का जो आप पे विश्वास होता है उसको पूरा करने के लिए लगना पड़ता है मैं पूरे पाँच साल तक 2003 से 8 के बीच में लगा रहा कई काम हमने करवाए जो कई वर्षों से लंबित थे और इसी तरह से 2013 से 18 के बीच में भी कई ऐसे बड़े काम भी हुए जैसे तहसीलें भी बनी और पंचायत समिति भी बनी और कई रोडें भी बनी जो कई गाँव जुड़े हुए नहीं थे उनको जोड़ने का प्रयास किया तो काम बहुत हुए लेकिन आ, मेरा ये है कि जनता से जुड़ाव बहुत अच्छा रहा और जनता मेरे साथ प्रेम से जुड़ी रही नगर में जनता सेना के रूप में आपने तीसरा मुझ, तीसरा मोर्चा खोला तो ऐसी क्या खास वजह रही कि भाजपा की विचारधारा से आपको अलग जाना पड़ा देखिए मैं तो भाजपा की विचारधारा को अभी तक लेके बैठा हूँ हम कांग्रेस विरोधी थे कांग्रेस विरोधी हैं और कांग्रेस विरोधी रहेंगे लेकिन पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं उन लोगों को मैं पसंद नहीं आया और उन्होंने मुझे पार्टी में नहीं रहने दिया उसके लिए मेरे पास और कोई चारा नहीं था तो मैंने एक पार्टी का गठन किया ताकि ये चुनाव के अलावा जो पंचायत समिति और नगर पालिकाओं के चुनाव हैं उनमें हम हमारे कार्यकर्ताओं को जगह दे सकें उसके लिए हमने पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाया और उसके थ्रू हमने पहले भी प्रधान प्रधान बनाया अभी भी हमारा प्रधान है पहले भी नगर पालिका हमारी बनी अब भी हमारी नगर पालिका है तो इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के बाद हमने गठन करना हमारी मजबूरी बन गया अगर शुरुआत से ही आप भारतीय जनता पार्टी में बने रहते तो मेवाड़ की राजनीति में क्या परिवर्तन आता क्या बदलाव होता सर मेवाड़ की राजनीति में तो ये क्षेत्र अभी जिस तरह से पिछड़ गया है थोड़ा सा जिस तरह से हम लोगों की बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको हम लोग समय पर समाधान करना चाहते थे वो नहीं हो पाया दूसरा ये कि अभी सबसे जो बड़ी हमको दिक्कत आई है वो ये है कि आज सलोमर जिला बन गया लेकिन भिंडार जिला नहीं बन पाया जो कि अगर हम अगर उसमें सत्ता में होते तो निश्चित रूप से बिंडर को भी जिला बनाते क्योंकि उस मापदंड पे पूरा खरा उतरता है तो ये थोड़ी कमियाँ रहेगी जनता से बनाने के बाद आपने चुनाव लड़ा जीत भी हासिल की तो आपको क्या लगता है वल्लभ नगर की जनता सिंबल देख के वोटिंग करती है या उम्मीदवार पर नजर रखती है देखिए वल्लभ नगर की जनता मेरे ख्याल से संभाग भर के सबसे परिपक्व राजनीतिक रूप से सबसे परिपक्व जनता है वो काम देख करके और उसी हिसाब से और व्यक्ति देख करके वोट देती है सिंबल का कोई विशेष महत्व मुझे नहीं लगता कि है क्योंकि आप देखो कि 2013 के बाद लगातार राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होती जा रही है तो अगर सिंबल देख के दिया होता तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतती लेकिन दो में मैं जीता तब गणपत जी की जमानत जब्त हुई दो में हालाँकि मैं हारा लेकिन उदयलाल जी को इतने वोट नहीं मिले जितने मुझे मिले तो इसलिए मेरा ये मानना है कि व्यक्ति को देख करके वोट वल्लभ नगर की जनता देती है और काम अगर करो लोगों से संबंध रहे लोग आपसे जुड़े रहे निश्चित रूप से जीत होती है 2013 में भारतीय जनता पार्टी से आपका टिकट कटा 2018 में भाजपा ने आपके ही खेमे से किसी अन्य व्यक्ति को टिकट दिया तो आपको क्या लगता है भाजपा जनता सेना पे दाव खेल रही है या कांग्रेस पे दाव खेलती है देखिए हर पार्टी में अग्रणी कुछ लोग होते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन हर एक का एक समय होता है निश्चित समय मैं आज सोचूँगा मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं तो नहीं बन सकता मुझे अपना समय का इंतज़ार करना होगा इसी तरह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो विधायक बनना चाहते हैं और विधायक की हड़बड़ाहट में और जल्दी बढ़ने के चक्कर में वो साथ छोड़ करके दूसरी पार्टियाँ या दूसरी पार्टियों में जा के वहाँ से अपनी किस्मत आजमाने का प्रयास करते हैं लेकिन मेरा ये मानना है कि जनता की नज़र में जो टिक करके एक जगह रहे उसकी वगत होती है बाकी वगत नहीं होती है हाल ही में जनता सेना ने जन समाज यात्रा निकाली घर घर पहुँचे हैं क्या रहा जनता का रेस्पॉन्स देखिए जनता का रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि वहाँ पर गया तो लोगों ने मुझे इस नज़र से देखा जैसे जो काम उनके बाकी हैं वो मैं ही करा सकता हूँ और मुझे भी असलियत देखने का मौका मिला क्योंकि कई बार हम लोग होते हैं राजनीति में तो भाषण दे के चले गए या पंचायत हेडकोार्टर पे चले गए लेकिन एक एक गांव एक एक फड़े में जाने का मौका भी मिला वहाँ की समस्याओं को अपनी नज़र से देखा बहुत सी जगह पैदल भी जाना पड़ा तो जिस हाल में जनता है तो मुझे बड़ा दुख होता है कि हम लोग इतने सालों बाद भी आज़ादी के इतने सालों बाद भी वो सब सुविधाएँ हम नहीं दे पाए जो जनता को मुहैया होनी चाहिए थी इसलिए अब की बार मेरा लक्ष्य है कि वो सब बातें जो मैंने वहाँ देखी है जो मैंने नोट की है उनको पूरी करने का प्रयास करूँगा चुनावी मैदान में आपके सामने कांग्रेस भाजपा और आलोपा जैसी पार्टियां हैं तो आपको क्या लगता है जनता का जुड़ाव उनसे हटकर जनता सेना पर बना रहेगा देखिए मैं किसी पार्टी का न तो आलोचक हूँ न उनके खिलाफ़ कुछ बोलना चाहता हूँ मेरा ये मानना है कि फैसला जनता को करना होगा जनता हमारे सबके काम देखेगी सब अपने अपने स्तर पर प्रयास करते हैं सभी लोग अपने अपने काम से काम रख रहे हैं लेकिन जनता को ये सोचना है कि कौन काम कर सकता है कौन जो कहता है वो करता है इस बात पर मुझे विश्वास है कि हम लोग जरूर आगे निकलेंगे मेवाड़ सहित राजस्थान में सियासी चर्चा सबसे ज़्यादा अभी यही है कि महाराज रणधीर सिंह जी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं कितनी सच्चाई है सर इसमें देखिए मैं भाजपा से दूर कभी गया नहीं और कार्यकर्ता और हम निश्चित रूप से भाजपा में जाना चाहते हैं लेकिन ये निर्णय तो भारतीय जनता पार्टी को लेना है क्योंकि उनको अगर इस सीट को जीतना है तो निश्चित रूप से हमारे को साथ लेना पड़ेगा क्योंकि जनता सेना में कोई कार्यकर्ता कम नहीं है चार पाँच हज़ार कार्यकर्ता हमारे हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं जो लगे हुए हैं और जो मतलब किसी प्रलोभन में भी नहीं आते क्योंकि सभी पार्टियां आजकल पैसे वालों का बहुत जोर हो गया तो सभी पार्टियां जोर लगाती लेकिन मेरे कार्यकर्ता टस से मस नहीं होते तो निश्चित रूप से ये कार्यकर्ता अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत फ़ायदा होगा लेकिन नहीं जुड़ना चाहते तो हम लोग तो लड़ रहे हैं और कर रहे हैं हमारे तो लक्ष्य सेवा का करेंगे दस साल आप भी विधायक पद पर कार्यरत रहे हैं कार्य का अनुभव भी है अभी आ, हाल नगर के देख के आपको क्या अनुभव है सर देखिए अभी जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनमें अनुभव की कमी है और अनुभव मैं बताऊं मैं भी 2003 से 8 के बीच में जब विधायक था तो मुझे भी इतना ज़्यादा अनुभव नहीं था तो काम किए मैंने लेकिन 2013 से 18 के बीच में जब मैं विधायक रहा तो मुझे एक एक चीज़ का पता था कि कहाँ से सेंक्शन हो सकती है कैसे कहाँ किस डिपार्टमेंट से ला सकते हैं कहाँ पर हम किस तरह से का दबाव बना सकते हैं कहाँ पर कोई काम बाकी है तो अधिकारी को किस तरह से सेटल से करना ये सब बातें करने के बाद में मुझे अब मेरा यह मानना कि तीस साल का जो अनुभव है निश्चित रूप से इसमें फ़ायदा होता उसका और इसीलिए मैं काम ज़्यादा करा पाया अगर जनता इस बार आपको विधायक के रूप में चुनती है तो क्या विचारधारा रहेगी क्योंकि हाल ही में आप जनता के घर घर तक पहुँचे हैं तो देखिए जनता के जो काम हैं उन कामों को प्राथमिकता देनी है मैंने काम खाली सुने ही नहीं है मैंने लिखे हैं नोट किए हैं मैंने अपने कंप्यूटर में डाल दिए है उन कामों को लेकिन जो मुख्य समस्या अपने क्षेत्र की है वो पेयजल की समस्या है पेयजल की समस्या के लिए चाहे जल जीवन मिशन कह रहे हैं लेकिन जल जीवन मिशन भी आधा अधूरा है सब पंचायतों में नहीं है और वहाँ पर पानी के सोर्स भी नहीं है मेरा ये मानना है कि ट्यूबवेल हैंडपम्प फेल हो जाते हैं अपने यहाँ पर गर्मियों में इसलिए सरफेस वाटर को टैप करना बहुत ज़रूरी है मैंने उस समय कसोटिया बांध के लिए डी बनवाई थी वो डी तैयार है मेरा सबसे पहला काम ये होगा कि उस डी को ले जा करके ये जो कसोटिया बांध उसको सेंक्शन कराएं ताकि हमारी डेढ़ सौ दो सौ आदमी जो गांव हैं उस पानी से जुड़ सके इसी तरह से हमने रानी रानी डूंगला निकट से भी स्कीम बनाई थी वो स्कीम भी हम लगाएंगे फिर एक सातोड़ा एनिकट है अपने मालकी टूस के पास उससे भी एक अपने वल्लभ नगर के जो बांध हैं वहाँ से भी तो आसपास के सभी क्षेत्रों में एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जिसके सरफेस वाटर जहाँ पर कलेक्ट होता हो उससे अपन पानी की सप्लाई करें निश्चित रूप से हमको इसमें फ़ायदा हो सकता है जबकि अभी जो सरकार कर रही है वो क्या कर रही है कुछ गाँव को तो जी जल जीवन मिशन में ले लिया बाकी को इसलिए छोड़ दिया करीब ढाई गांव ऐसे छोड़ दिए हैं जिसमें ये कहा है कि साहब जाखम से पानी आएगा वहाँ पर अभी ना तो जाखम का प्रोजेक्ट बना है ना जाखम की कोई चर्चा है ना उसका कोई डी बना है तो इस तरह से लोगों को आधे झूल में अब इससे कम से कम दस साल लगेंगे अगर जाखम जाखम प्रोजेक्ट चालू भी होता है तो ऐसा नहीं अपन को फटाफट करके कुछ ना कुछ करके पानी की व्यवस्था करनी है दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या हमारी यहाँ पर है कि सरकार ने स्कूल बहुत खोल दिए स्कूलों की दुर्दशा है कमरे गिर रहे हैं कमरों की कमी है बच्चे बाहर बैठे हैं बहुत सी जगह कमरों कमरे गिरने मतलब उसकी छतें गिर रही है बच्चों के ऊपर गिर रही है ऐसी स्थिति में सरकार में अभी जैसे आपने सुना होगा थोड़े दिनों पहले एक थम्बा टूट गया था स्कूल का दो बच्चे मर गए प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया भाई प्रिंसिपल को सस्पेंड करने से क्या होगा सरकार पैसा देना स्कूलों के कमरे बनवाए ना उनको रिपेयर करवाए ना लेकिन वो नहीं करा पाए तो ये भी एक प्राथमिकता है दूसरा ये है कि युवक हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं इन युवकों के लिए इस सरकार ने कहा हम बेरोजगारी भत्ता देंगे लेकिन आज तक मुझे तो ऐसा भत्ता कहीं पर दे, देते हुए दिखे नहीं मेरा ये मानना है कि बच्चों के रोज़गार के लिए सचमुच में प्रयास होने चाहिए हमारे यहाँ पर जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ इंडस्ट्रीज़ लगी हुई उनमें भी बाहर के लोग भरे हुए हैं हम लोग प्रयास करेंगे कम से कम पचहत्तर परसेंट बच्चे हमारे क्षेत्र के लगे कई उद्योगपतियों से मैंने बात कर रखी है उनको जमीने भी बताइए कि वो अपने उद्योग या डालेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम यहाँ पर रोज़गार दिला पाएंगे ये हमारा लक्ष्य है 2008 से संघ की नाराजगी भी आपको लेके सामने आई है तो इस बारे में कितना क्या बदलाव आया क्या कह गया देखिए मैं संघ के कारण ही भारतीय जनता पार्टी में आया मेरे एक पिताजी के काका थे अमर सिंह जी वो संघ के प्रचारक थे उन्होंने मुझे कहा कि हमको भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए ये अच्छा संगठन है राष्ट्र सेवा करने वाला संगठन है इसके कारण मैं राजनीति में आया उसके बाद में 2007 में हमारे यहाँ पर एक जिला जिला प्रचारक थे उन्होंने कुछ लोगों को गलत फहमियाँ पैदा करके इस तरह से माहौल बना दिया जैसे मैं संघ का विरोधी हूँ जबकि मैं हर जगह गया मैंने अपने आप को उन लोगों को समझाने का प्रयास किया कि ये एक झूठी बातें जो कल्पना वाली बात करके और ये कर रहे हैं लेकिन उससे विरोध हुआ दो के चुनाव में, में मेरे खिलाफ़ बहुत भयंकर माहौल बनाया पोस्टर भी लगाए गए मेरे लिए कि हत्यारा है लेकिन बाद में जा के अब धीरे धीरे सबको रियलाइज़ हो गया कि वो बात झूठी थी सिर्फ एक बड़े नेता के कारण मेरे से उनकी कुछ दूरी के कारण ये सब षड्यंत्र रचा गया अभी मैं संघ संघ के कभी प्रमुख लोगों से मिला हूँ उन सब लोगों ने कहा कि भाई हमारे संघ में अब आपके प्रति कुछ नहीं है और हम आपके साथ हैं और इसमें हमारा कोई वो नहीं है पहले 2023, 2003 विधानसभा चुनाव फिर 2013 में आपने जीत दर्ज की अभी 2023 है तो कितना सच मानते हैं इस बारे में ये तो सही है 2023 तो हम जीतेंगे ये निश्चित रूप से ये हमारे कार्यकर्ता भी कह रहे हैं जनता भी कह रही है और आप भी कह रहे हो जनता से ना भाजपा में विलय हो या ना हो ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन इस 2023 विधानसभा चुनाव को देखने का जो नज़रिया है वो काफ़ी दिलचस्प रहेगा आपको अगले एपिसोड में रूबूरू करवाते एक अन्य नेता से तब तक के लिए धन्यवाद